सुशील पटेल, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है फ्लैग टावर के ऊपर। हम जाने वाले हैं फ्लैग टावर देखने, मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए फटाफट से तैयार होते, तैयार तो हो ही चुका हूँ, शर्ट उतार चुका हूँ, सब कुछ रेडी है, तो बैग लेंगे और चलेंगे। देखते हैं, बाहर बारिश का मौसम है तो छाता लेंगे कि नहीं लेंगे। छाता भी नहीं है, तो चलिए अभी भी थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है। चलो तो फिर चलते हैं फ्लैग टावर की तरफ। बैग ले लिया, और क्या लेना बच गया, कुछ भी नहीं, और क्या, ओह मास्क भूल गया, एक मिनट, मास्क इज कंपल्सरी। चलो शूज पहन लेते हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी टावर की तरफ। पहले लेक आता है, लेक के बाद में टावर आता है, उस साइड से जाएंगे तो फिर टावर आता है, बाद में लेक लगता है। मैं जहाँ रहता हूँ ना, उधर मैंने गली में व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि सभी उधर मेरे पहचान वाले हैं, तो अभी रोड पे व्लॉग बना रहा हूँ। तो चलिए चलते चलते। ये देखो हम लेक की तरफ तो पहुँच गए, लेकिन गेट बंद दिख रहा है। अरे यार कहाँ से जाएंगे, अभी गेट तो बंद है। ऊपर से जाएंगे, इधर से चढ़ के, बड़ा ऊंचा है क्या, नहीं आसानी से चढ़ सकता हूँ यहाँ से। तो गाइस इस गेट के ऊपर से छलांग लगा के नीचे आ गया, लेकिन गेट उधर से ओपन है और उस साइड से ओपन है, और 10 रुपये चार्ज है, लेकिन मेरे पास 10 रुपये चेंज नहीं थी, सिर्फ 500 रुपये थे, इसीलिए मैं उधर नहीं गया, उधर छलांग लगा के आ गया। और ये देखो लेक है इसका, और हम यहाँ परसों भी आए हुए थे, उस दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, मेरे साथ दोस्त आए हुए थे, हम यहाँ फोटोशूट के लिए आए थे इधर, तो आसपास कोई नहीं है, तो मास्क निकाल के व्लॉग बनाता हूँ। यहाँ आता हूँ तो यहाँ थोड़ी यादें ताज़ा होती है, क्योंकि मैं बताऊँ कि नहीं आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है चलो बता ही देता हूँ। मेरी जो एक्स है ओवर, मैं यहाँ मिलते थे हर रोज़ शाम को, आके बैठते थे उधर उस साइड में, और इस साइड में बेंच थे बैठने के लिए, अभी नहीं है, पहले थे, हम उस पर बैठते थे। इधर आके सुबह सुबह आते थे ना, गांव से सुबह सुबह आते थे, तो इधर आके हम नाश्ता करते थे, तो शाम को भी आते थे, हर रोज़ नहीं, हफ्ते में 2-3 बार यहाँ बैठने के लिए आते थे। तो हर बार यहाँ आता हूँ तो यादें ताज़ा होती है। वो अभी वो एक्स है, अभी कोई नहीं है, तो चलिए चलते हैं उस तरफ। मैं जब भी ब्लॉग करता हूँ ना, तो सभी लोग मेरे पास ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई मीन्स दूसरे प्लैनेट से आया हूँ। अरे यार बंदा ब्लॉग तो करता है क्या, मीन्स बताता है सब कुछ, रहने दो, उनका तो चलता ही रहेगा, हम ब्लॉग बनाते ही रहेंगे। ये जो है सभी एक छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए था, लेकिन अभी सभी बंद है, कब से बंद है मालूम नहीं। मैं पिछले साल यहाँ आया था तब ये सभी चालू था छोटे बच्चों के लिए। अरे यार बारिश चालू हो गई, ये देखो बादल देखो ऊपर मेरे, बारिश चालू ही हो गई है, मैंने कुछ भी नहीं रहा, मेरे पास छाता रही कुछ नहीं, क्या करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा, बारिश आ गई बहुत जोर से ना आए। जल्दी जल्दी चलते हैं, दिखा दूं इधर से, थोड़ा व्यू अच्छा दिख रहा है। वो फ्लैग टावर, और ये है बीच में टापू, टापू जैसा बनाया हुआ है। तो गाइज यहाँ पे बारिश ना थोड़ी तेजी आ गई है, तो मैं इधर रुका हूँ इस झाड़ के नीचे,
तो बड़ी वर्षा कही है मेरे पास। देखता हूँ प्लास्टिक लाया रहूँगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मोबाइल और ये सेल्फी स्टिक डालने के लिए उसमें सेफ रहेगा। गलती कर दी, छाता नहीं लेके आने की गलती कर दी। तेते बड़ी बारिश आ रही है, ऐसे मुश्किलों का सामना करते हुए आपके लिए ब्लॉग बना रहा हूँ, आपके लिए कंटेंट ला रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता है यार। अगर अच्छा लगा हो तो ब्लॉग सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपके लिए इतनी मशक्क़त करते हैं कंटेंट लाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड कमेंट। ये बारिश ना मेरे साथ खेल खेल रही है यार। अभी कैसा है, जब मैं रुक रहा हूँ तब बारिश कम हो रही है, और जब मैं बाहर जा रहा हूँ तब बारिश आ रही है। अभी ये देखो, मैं इस झाड़ के नीचे रुका हुआ हूँ, अभी बारिश बंद हो गई है, ये देखो। अब मैं जैसे ही बाहर जाऊँगा तो बारिश आ जाएगी। चलो देखते हैं क्या क्या होता है, लेट्स गो। बहुत लोग यहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहे हैं इस लेक में, यहाँ बैठ के बाजू में। मैं आ चुका हूँ अभी फ्लैग टावर के ऊपर, लेकिन फ्लैग ही नहीं है, फ्लैग टावर के पास आया हूँ। सोच रहा हूँ जब फ्लैग लगाते हैं तब एक बार आऊँगा और आपको दिखाऊँगा व्यू इसका, तो मैं एक क्लिप दिखा दूँगा इसका व्यू शॉर्ट में, आप देख लेना। मुझे यहाँ पर एक बुरा लगा, हाँ सच में बुरा लगा, क्योंकि मैं पिछली बार जब ये स्टार्टिंग में आया था, जब ये सभी स्टार्ट किया था, सभी ये नया नया था, इतना अच्छा था, ये सभी गार्डन था, मेरे पीछे दिख रहे हो ये सब भी अच्छा गार्डन था, और फ्लैग वगैरह था, और ये सब भी अच्छे से बना हुआ था, ये लाइट वगैरह जल रही थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन एक साल में कोरोना की वजह से या कैसे मालूम नहीं है, लेकिन सब कुछ बदल गया है। यहाँ जो गार्डन था उसको फुटबॉल ग्राउंड कर दिया, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, और ये सभी टूटा पड़ा है यार, और यहाँ पर लोग ना मछलियाँ पकड़ रहे हैं। अरे यार टूरिस्ट प्लेस है ये, यहाँ पर लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं। देखो यार जब मैं आया यहाँ तक, और साइड से सभी कचरा पड़ा है, सभी यहाँ ये साइड से, मैं जो उस साइड से मैं नहीं आया था, इस साइड से आया, सभी कचरा पड़ा है। अगर बाहर से कोई टूरिस्ट देखने को आया तो क्या सोचेगा वो, क्या समझेगा? तो प्लीज़ यार जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है वो समझ लेना कि कचरा नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग रहते हैं वहाँ पर उन लोगों को तो समझना चाहिए ना यार, ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, शाम को घूमने आते हैं, वॉकिंग करने के लिए आते हैं, तो कचरा नहीं करना चाहिए। ये लोगों को समझ में नहीं आता, जहाँ जगह मिली उधर फेंक दिया यार, इस बात के लिए मुझे गुस्सा आया, सच में गुस्सा आया। चलो मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होगा, मेरी खुद की एक सोच थी वो आपको मैंने बता दी। तो अभी धूप भी खिल चुकी है, बारिश जा चुकी है, तो अभी अच्छी तरीके से जाना होगा। और सभी लोग ये लोग मुझे मिलने को आए, तो सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग। चलो चलता हूँ, बाय। तो वो लोग मुझे मिलने को आए थे, मैं ब्लॉग बना रहा था, वो फुटबॉल खेल रहे थे, तो मुझे मिलने को आए थे, तो अच्छा लगा मिलके। तो आप भी मुझे मिले तो ज़रूर मिल लेना, बातचीत कर लेना।
जो भी बेलगाम के देख रहे हैं वो लोग, और सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए चलते हैं, अभी यहाँ का हो गया सभी, यही ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, डाई विद द मेमोरीज, नॉट विद द ड्रीम्स। बूम।